अब 52वां तबादला किया गया है और अभिलेखागार पुरातन और संग्रहालय विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया। इससे पहले केमिका विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रमुख सचिव पद पर कार्यरत थे और 1991 बैच के अशोक खेमका का तबादला इससे पहले मार्च 2019 में हुआ था। अभिलेखागार विभाग भाजपा की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के पास है और जबकि पुरातन और संग्रहालय विभाग जजपा के राज्य मंत्री अनूप धानक के पास है। आईएएस अधिकारी खेमका को काफ़ी समय से किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन तबादले पर तबादला इनका हो रहा है। ट्वीट भी इन्होंने किया है कुछ देर पहले, फिर तबादला लौटकर फिर वहीं। कल संविधान दिवस मनाया गया, आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं नियमों को एक बार और तोड़ा गया। कुछ प्रसन्न होंगे, अंतिम ठिकाने जो लगा मैं, ईमानदारी का इनाम जलालत। ईमानदारी का जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो खुद के लिए है ईमानदारी, और जो इनाम में उन्हें मिला वो मिली है जलालत। जलालत उन्हें मिली है सरकार से, समय समय की सरकारों से। ये दुख है, ये दर्द है एक अधिकारी का, अशोक खेमका का, क्योंकि 52वीं बार इनका जो तबादला हुआ है वो कहीं ना कहीं इनको खल रहा है। और इसलिए भी खास क्योंकि कोई बड़ा अभी तक विभाग इन्हें नहीं दिया गया, फिर तबादला लौट कर वही आया। कल संविधान दिवस मनाया गया, संविधान दिवस की इन्होंने दुहाई दी है क्योंकि 70वां संविधान दिवस हमने मनाया है, लेकिन उसके बावजूद उनको मिला क्या? जलालत मिली है सरकारों से, जलालत का उनको तोहफा मिला है। यह उनका दर्द छलका है और भारत को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बयान के लिए देश व सिख समाज से माफ कीजिएगा, 52वां तबादला फिलहाल यहां पर इनका हुआ है।